इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Hyundai Verna 1.6 2008 मॉडल का पेट्रोल जो है उसमें आपको क्या माइलेज निकलता है और मैक्सिमम माइलेज आपको इस गाड़ी से कितना मिल सकता है। आपके चलाने के ऊपर होता है कि आप माइलेज कैसा निकाल सकते हैं और गाड़ी की कंडीशन के ऊपर होता है कि आपकी गाड़ी क्या माइलेज निकालेगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी पेट्रोल इस गाड़ी में नहीं है। ये लाइट भी जल चुकी है और ये लाइट काफ़ी पहले ही चल चुकी थी, तो ये जब लाइट जली थी तो मैंने इसे काफ़ी चलाया था उसके बाद भी, और पेट्रोल जो है वो बहुत टाइम के बाद ख़त्म हुआ था। करीब रिज़र्व में जब इसका पेट्रोल, जब ये लाइट जलती है तो अराउंड 6-7 लीटर इसमें पेट्रोल रहता है, और उस पेट्रोल में मैंने काफ़ी गाड़ी चलाई थी, 100+ किलोमीटर्स मैंने इसमें चलाया था। तो इस गाड़ी का जो माइलेज है मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसे टेस्ट करते हैं, अगर आप टैंक टू टैंक कर सकते हैं, बाकी अगर पूरा ख़त्म करना है तो बहुत इसमें मुझे टाइम लग गया था। काफ़ी जो मैंने इसे चलाया है इसके बाद जाके इसका पेट्रोल ख़त्म हुआ था, फिर मैंने इसका पेट्रोल मैंने डाला, उसके बाद जो है वो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि 1 लीटर में स्टार्ट नहीं होती, कम से कम 3 लीटर आपको पेट्रोल चाहिए और मेरे पास 3 लीटर पेट्रोल पड़ा था। पहले मैंने 1 लीटर डाला चेक करने के लिए, पर लेकिन उसमें स्टार्ट नहीं हुई, फिर 2 लीटर डाला उसके बाद भी चालू नहीं हुई, उसके बाद मैंने 3 लीटर पेट्रोल डाला, उसके बाद जाके जो है ये कार जो है वो स्टार्ट हुई। तो जो मैं इसे टेस्ट कर रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि कब पेट्रोल ख़त्म होगा, काफ़ी टाइम लग गया था पेट्रोल ख़त्म होने में, और उसके बाद मैंने जब पेट्रोल डाला था तो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी 1 लीटर में 2 लीटर में, तो मैं इसलिए शूट वूट कुछ भी नहीं कर पाया। पर जैसे ही मैंने पेट्रोल डाल लिया था उसके बाद कुछ शूट मैंने किया है, थोड़ा सा जिस तरीके से मैं गाड़ी चला रहा था मैं वो शूट किया हूँ, और जो स्पीड थी वो मेरी 100 के ऊपर तो गई ही नहीं है गाड़ी बिल्कुल भी, 100 के अंदर ही थी, 80, 60, 70 ऐसी 40 इस तरीके ही जो है वो मैं स्पीड चला रहा था इसको। मैंने मैक्सिमम माइलेज निकालने के लिए चलाया था गाड़ी, तो मैं उस हिसाब से ही चला रहा था। मैं कहीं पे भी मेरा जो RPM है वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि RPM का ही खेल है, क्लच एकदम मेरा लाइट था और गियर मेरा जो वो मैक्सिमम था, मतलब कि 5th गियर में ही थी गाड़ी, कभी 4th गियर में, तो मैक्सिमम गियर में कम से कम RPM आपका होना चाहिए गाड़ी का। मेरी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर्स के आसपास जो है वो गाड़ी चली थी उस समय, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखा दूंगा उसको। तो अभी इसमें पेट्रोल हो गया था ख़त्म पूरा फिनिश, और गाड़ी जो चली है वो 61.7 किलोमीटर चली है, जो कि 3 लीटर में चली है, जो कि पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बोतल अभी मैंने डाल दिए 3। तो अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो 20 का माइलेज ये मुझे दे रही थी, हल्का से AC थोड़ा सा मैंने चालू किया था, फिर विंडो भी क्लोज किया था, और सिटी में मैंने चलाया था, और थोड़ा सा हाईवे, मतलब कि वो हाईवे टाइप का नहीं था, एकदम जो हाईवे होता है वैसा नहीं था, पर लेकिन खाली रोड थी, 20 का माइलेज मिला है, तो कि ये मैक्सिमम माइलेज है, इससे ज़्यादा ये गाड़ी नहीं देगी। और पेट्रोल है 1.6 है, नॉर्मली जिनके पास ये गाड़ी है उन लोग, मैंने काफ़ी लोग से सुना है कि ये 10 से 13 का एवरेज देती है सिटी में, 10 से 12, 13, उससे ज़्यादा नहीं देती है, हाईवे में 13, 14, 15 तक का देती है बहुत मुश्किल से। तो ऐसा नहीं है कि माइलेज, इससे मुझे भी लग रहा था कि मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो 10 से 13 का है, इसलिए मुझे जो है वो चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत कम माइलेज था इसका। माइलेज टेस्ट से पहले ही मैंने इसमें 33 PSI चारों व्हील में जो है वो मैंने 33 PSI जो कि जो है वो रिकमेंडेड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो मैंने 33 PSI चारों चक्के में डलवाए थे, जो रिकमेंडेड एयर प्रेशर है आप उसी में रखें, आप इसे कम ना रखें, और हमेशा एयर जो है वो चेक कराते रहें गाड़ी में, क्योंकि उससे माइलेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरीके से मैंने इसका मैक्सिमम माइलेज निकाला था इस गाड़ी का, और ये 2008 मॉडल है और 1.6 है पेट्रोल, जो कि 52,000 अराउंड किलोमीटर्स चल गई है, सर्विस इसकी हो चुकी थी। ऑयल जो इसमें डला है वो मिनरल ऑयल है। तो बस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया इस कार के माइलेज के बारे में, Hyundai Verna 1.6। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।